हरियाणा में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। इसी कड़ी में भिवानी भी अछूता नहीं है। दो दिन पहले मरीजों की संख्या 5 थी, अब 1 दर्जन हो गई है। मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। विभाग में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए टीम बना दी गई है। ये टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगी। वहीं मच्छर का लार्वा मिला तो 50 घरों तक फॉगिंग भी करवाएंगी। बता दें, डेंगू तेजी से फैल रहा है। भिवानी में डेंगू के मरीजों की संख्या अब 12 हो गई है। पहले ये संख्या 5 थी। CMO डॉक्टर रघुवीर चांडिले ने बताया कि 22 टीमें शहरी क्षेत्र के लिए तो 119 टीम ग्रामीण क्षेत्र में जा रही है। वहीं CMO ने बताया कि लोगों को रविवार के दिन ड्राई डे मनाना चाहिए। घरों से सफाई हो, पानी इकट्ठा ना हो, कूलर AC या अन्य उपकरण पानी में ना हो, अपने आसपास भी पानी एकत्रित ना होने दें। CMO ने बताया कि पानी जहां होता है वही मच्छर पनपता है। CMO ने बताया कि डेंगू से मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग के पास दवाइयां भी है और इलाज के लिए हर चीज उपलब्ध है। CMO डॉक्टर रघुवीर ने बताया कि 12 में से 11 का इलाज उनके घर में ही चल रहा है, जबकि एक को एडमिट करना पड़ा है। वहीं सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर मोनिका ने बताया कि अब तक 5 लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ी थी, जिन्हें रक्त उपलब्ध करवा दिया गया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी प्रकार के टेस्ट की सुविधा भी यही मौजूद है। मैं 70-80% तो मैंने बताया कि वो अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं। 5-7% जिसको फ्लूड की जरूरत पड़ती है और प्लेटलेट की जरूरत हो सकती है, तो वो सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि हमारी जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग है, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के हर मरीज की सुविधा उपलब्ध है। और इसकी जानकारी के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दूसरा रहा बात फॉगिंग का, फॉगिंग के लिए अभी तक हमने 35 लीटर दवाइयाँ पायरेथ्रिन जो दी है वो MC को दी है, ताकि जो हमारे MPSW मेल जाते हैं वहाँ पर जिस घर में लार्वा मिलता है तो उस एरिया के आसपास के 50 घरों में वो फॉगिंग होनी चाहिए। फॉगिंग खास करके दो तरह की होती है, एक इंडोर फॉगिंग और एक आउटडोर फॉगिंग। इंडोर फॉगिंग तो हमारी 11 से 3 बजे के बीच में होती है, आउटडोर फॉगिंग हमारी होती है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। तो ये जो इस टाइप का जो जैसे आजकल जो है डेंगू के केसेस जो है काफ़ी बढ़ रहे हैं, और हमारे ब्लड बैंक द्वारा जो है आप सबको बताना चाहते हूँ कि RDP की सुविधा उपलब्ध है। तो किसी को भी RDP की ज़रूरत पड़े तो हमारे ब्लड बैंक से 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। अब तक जितने डेंगू के मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं उनमें से हमारे रक्तकोष से जो है 6 RDP की यूनिट्स इशू हो चुकी हैं, और हमारे यहाँ पर जो है 24 घंटे सैम्पलिंग की और वो सुविधा भी उपलब्ध है। तो कृपया करके जिसको भी डेंगू के लक्षण है आके अपनी जाँच कराएँ, और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी हमारे ब्लड बैंक से संपर्क करके RDP की सुविधा उपलब्ध।